पलवल जिला परिषद की नई चेयरपर्सन आशा देवी को दो पार्षदों को छोड़कर सभी पार्षदों ने समर्थन देकर अपना नया चेयरमैन चुन लिया है। इस मौके पर तमाम जिला पार्षदों के साथ साथ हतीन के विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। इस मौके पर नई नवेली चेयरपर्सन ने सभी वार्डों का समान विकास कराने की बात कही और कहा कि वो सभी विकास कार्यों को लेकर किसी भी पार्षद को नाराज नहीं रखेगी। चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी धन्यवाद व्यक्त किया। आपको बता दें, कुछ ही समय पहले पार्षदों ने चेयरपर्सन से नाराज होकर अविश्वास प्रस्ताव से चमेली देवी को पद से हटाया था। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री जी का, अपने लोकसभा सांसद श्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का, और मेरे हतीन विधानसभा क्षेत्र से भाई प्रवीण डागर जी, पलवल से भाई दीपक मंगला जी, और होडल से जगदीश नायर जी, और अपने जो मेरे पार्षद साथी हैं उन सभी का, और पलवल की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और पहले चेयरमैन से क्या परेशानी थी, अब आप क्या अच्छा करेंगे, उनसे बेहतर काम कैसे करेंगे? जो पहले चेयरपर्सन विकास कार्य नहीं कर पाई, मैं वो सारे काम करूंगी अपनी जनता के लिए। मैं एक चेयरपर्सन नहीं चुनी गई हूँ, मैं अपनी पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सेविका हूँ और सेवक के रूप में जनता का काम करूंगी। लगभग एक साल बचा है, तो संतुष्ट कर पाएंगे सारे पार्षदों को कामकाज को लेकर? जितना हो सके मैं अपनी तरफ से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी। सभी पार्षदों ने एकजुटता से श्रीमती आशा देवी जी को चेयरपर्सन चुना है जिला परिषद का। और क्या उम्मीद है, कैसा काम करेंगी? तो उम्मीद है कि जो जनता के, जो पार्षदों ने जनता से वादे कर रखे थे, उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। ग्रांट को बराबर समान रूप से सभी पार्षदों को दिया जाएगा और समान विकास पूरे क्षेत्र के अंदर कराया जाएगा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।